नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनार के पौधे में, छोटे से पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे लें, और जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या होती है वो किन रीजनों से होती है और क्या करके हम उन्हें बचा सकते हैं। और दोस्तों अनार के लिए हमें सॉइल कैसी बनानी चाहिए, उसको कब हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए गमले में, कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, क्या उसमें हमें जो है कंपोस्ट देनी चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कंपोस्ट दिखाऊंगा कि मैं कैसे कंपोस्टिंग करता हूं। कि ये देखिए छोटे से पौधे में आप देख सकते हैं कितने सारे अनार लगे हुए हैं और साथ में ढेर सारे फ्लावर्स भी अभी बन रहे हैं। साथ में दोस्तों मैं उसकी थोड़ी सी स्पेशल केयर मैं बताऊँगा। ये देखिए अनार के पौधे में ये दो ब्रांचेज हैं, एक में आप देख सकते हैं ढेर सारे फ्लावर्स और फ्रूट हैं और दूसरे में आप देख सकते हैं कोई किसी तरह का कोई भी फ्लावर नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है और इसका जो हमें ख्याल कैसे रखना है इसके बारे में वीडियो हम बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अनार के पौधे में जो फ्लावर ड्रॉप होती है उसके तीन मेजर रीजन होते हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला कि पौधा मैच्योर नहीं है। देखिए अनार के पौधे पे फ्रूट लेने के लिए आपको कम से कम एक साल से डेढ़ साल पुराना अनार का पौधा होना चाहिए। अगर उससे पहले आप उसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो ऑटोमेटिक ड्रॉप होते हैं, नहीं होते हैं तो आपको खुद कर देना चाहिए ड्रॉप, क्योंकि वो जो पौधे पे फूल बनते हैं और वो जब फल में कन्वर्ट होते हैं तो पौधा अपनी एनर्जी अपनी मैच्योरिटी पर नहीं लगा पाता और इमैच्योर पौधे पर जो फ्लावर्स आएंगे उसमें फ्रूट साइज नहीं बनेगी, फ्लावर्स ड्रॉप होंगे। तो पहला तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न होता है दोस्तों ओवर वाटरिंग। हम क्या करते हैं अक्सर जब पौधे पे फ्लावर्स आते हैं फूल बनने लगते हैं तो हम पानी एक्सेस मात्रा में देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी फ्लावर स्ट्रेस में आके जो है ड्रॉप हो जाते हैं, पौधा ड्रॉप कर देता है। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा वाटर देते हैं तो पौधे की जो ग्रोथ होती है, रूट्स जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा है बढ़ती है, तो जो फ्लावर्स होते हैं वो स्ट्रेस में आके ड्रॉप हो जाते हैं। तीसरा जो रीज़न होता है दोस्तों वो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो अगर आपने कंपोस्टिंग नहीं की है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसकी वजह से भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं। तो ये तीन मेजर रीज़न होते हैं आप। और नॉर्मली सभी पौधों में जितने भी फूल आते हैं सारे सक्सेस नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं, पर अगर सभी फ्लावर्स आपके ड्रॉप होते हैं फ्रूट में तब्दील नहीं हो पाते तो उनके ये तीन रीज़न होते हैं। तो इनसे बचने के लिए पहला जो उपाय है कि आप कम से कम साल से डेढ़ साल भर का पौधा हो उसके बाद ही उस पर फ्लावर्स या फ्रूट लेने के लिए तैयार हों। दूसरा कि ओवर वाटरिंग से बचें। जब भी आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो आप उसमें वाटरिंग तभी करें जब ऊपर की एक से डेढ़ इंच की लेयर आपको पूरी तरह से ड्राई दिखे। अनार बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, हैवी फीडर भी नहीं है और सन लविंग प्लांट है, तो इसको जो है आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। तीसरा न्यूट्रिएंट्स, महीने में एक बार आप कंपोस्टिंग कर देते हैं, अगर एक से दो मुट्ठी इसमें कंपोस्ट गमले की साइज़ के हिसाब से कर देते हैं तो पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी इस पौधे में नहीं होगी। तो मैं आपको अभी कंपोस्ट भी दिखाऊंगा कि क्या कंपोस्ट हमें यूज करना है ऐसे ढेर सारे फूल और फल लेने के लिए अपने अनार के पौधे में। उससे पहले दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रांच है इसमें कोई भी फ्लावर्स क्यों नहीं है, और इस एक ही पौधे में इस ब्रांच में जो कि दोनों आप देख सकते हैं ब्रांच काफ़ी हेल्दी है, तो इस ब्रांच में कोई भी फ्लावर्स या फ्रूट क्यों नहीं बने हैं और दूसरे इस ब्रांच में ढेर सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं पौधे को दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं दूसरी तरफ। ये देखिए ये जो पौधा है ग्राफ्टेड पौधा है मेरा, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा पौधा ये ग्राफ्ट है। और जो ग्राफ्ट पौधा है ये देखिए ये जो ब्रांच गई है ये ग्राफ्टेड ब्रांच है, और ये जो दूसरी ब्रांच आपको दिख रही है ये जो मदर प्लांट है जिसकी रूट है उससे निकला हुआ ये ब्रांच है। ये देखिए, तो मैं अपनी वीडियो में अक्सर ये बताता रहता हूँ कि जब भी आप ग्राफ्टेड पौधा लें तो जो मदर प्लांट से निकल रही ब्रांच है उसको आपको कट कर देना है। मैंने इसे आप लोगों को सिर्फ यही फर्क दिखाने के लिए कट नहीं किया है कि आखिर क्यों हम उसे हटा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, देखिए पौधे की जो एनर्जी आती है वो इसमें और इसमें दोनों ब्रांचेस में सेम डिवाइड हो रही है। ये भी ब्रांच आप देखिए काफ़ी हेल्दी है और ये भी, लेकिन फर्क इतना है कि इस ब्रांच में आपको ढेर सारे फल
देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ग्राफ्टेड है। ये किसी ऐसे पौधे की ब्रांच है जो ऑलरेडी फ्रूटिंग पे था और उससे ग्राफ्ट किया गया है, और ये मदर प्लांट से निकला है। तो इस तरह के जो प्लांट से ब्रांचेस निकलती हैं, ये एनर्जी लेती हैं आपके पौधे से, और इनमें फ्रूटिंग के लिए कम से कम आपको साल डेढ़ साल और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं जो सीड से पौधे उगाए जाते हैं वो दो से तीन साल बाद ही फ्रूटिंग स्टेज पे आते हैं, कभी कभी तो 4-5 साल भी लग जाते हैं। इसलिए आपको इस पौधे में, इस ब्रांच में एक भी फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें इस जो ब्रांच को कट कर देना होता है। ये देखिए हमने इसे कट कर दिया। अब क्या होगा कि जो पौधे की एनर्जी है दोस्तों वो इस ब्रांच में आएगी, ये ब्रांच और ज़्यादा हेल्दी होगा, सारी एनर्जी इसी ब्रांच में आएगी और इसमें जो फूल बन रहे हैं या जो फल बन रहे हैं वो अच्छे से मैच्योर होंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अनार के पौधे के लिए मिट्टी हम कैसे बनाते हैं। तो मिट्टी में दोस्तों आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, उसके बाद 20% इसमें आप राइस हस्क मिला सकते हैं या कोकोपीट मिला सकते हैं, और एक्स्ट्रा में हम 2 से 3 मुट्ठी नीम खली मिला लेंगे, फंगीसाइड पाउडर मिला लेंगे जो कि इसकी फंगस से बचा सके। अब दोस्तों देखिए ये बारिश के बाद थोड़ी मिट्टी गीली है अभी, और इसमें जो भी वीड्स हैं उन्हें आपको निकालते रहना है, क्योंकि ये वीड्स क्या करते हैं, जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें ले लेते हैं और अपनी ग्रोथ में उसे यूज कर लेते हैं, तो पौधे के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि वीड्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी में से, इसलिए आप देखते हैं वीड्स जो घास खरपतवार होते हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अनार के पौधे की देखिए काट छाट कर दी है। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो पौधे के लिए पॉट साइज है, अगर आप छोटा पौधा लेके आते हैं तो उसे 8 से 10 इंच के गमले में रखिए, जब पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाए, साल भर पुराना हो जाए, तो उसे 18 इंच के ग्रो बैग में या गमले में जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करना चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मेरा 18 इंच का ग्रो बैग है और इसमें ये मेरा 1.5 साल पुराना पौधा है, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है मुझे। फर्स्ट टाइम ये है, इससे पहले मैंने इसमें कोई भी फ्लावर्स लिए नहीं थे, फ्रूट नहीं लिए थे, फर्स्ट टाइम है। अनार के पौधे में साल में 2 से 3 बार फ्लावरिंग होती है। तो आपको इसके बाद फिर मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आपके पौधे में आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो कुछ एक ही ब्रांचेस पे अगर ज़्यादा फ्लावर्स हैं, जैसे देखिए इसमें 2 से 3 फ्लावर थे, मैंने बाकी फ्लावर्स को रिमूव कर दिया है, एक फ्लावर को मैंने छोड़ा है। अब मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ 3 अनार एक साथ बने हुए हैं, आपको मैं डिफरेंस भी दिखा देता हूँ, 3 अनार एक साथ एक ही ब्रांच में बने हुए हैं, और ये अनार और बाकी अनार सब एक साथ के हैं। इनकी साइज़ देखिए, इनकी ग्रोथ देखिए, और मैं आपको दूसरा अनार दिखाता हूँ, ये देखिए इस अनार की कलर ग्रोथ देख सकते हैं आप। तो जब एक ही ब्रांच पे एक से ज़्यादा अनार लगेंगे तो न्यूट्रिएंट्स सब में डिवाइड होगा, पौधे की जो एनर्जी है वो डिवाइड होगी, तो जो फल है उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, तो फल छोटी साइज़ का बनेगा और जल्दी मैच्योर नहीं होगा। तो इसलिए आपको फ्लावर्स जो हैं वो सेलेक्टेड मात्रा में ही रखने अपने पौधों पे, ना कि पौधा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जब पौधा मिट्टी में लगता है तो उस कंडीशन में आप फ्लावर्स को आपको हटाने की, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर पौधा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ले रहा होता है और उसमें जब हम कंपोस्ट देते हैं तो पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती। जब हम गमले में कोई पौधा उगाते हैं तो लिमिटेड रिसोर्स में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे, मिट्टी भी काफ़ी कम होती है, रूट्स बाउंडेड होती हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों बात आती है इसे ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के लिए 2 बेस्ट टाइम है, आप फरवरी मार्च में कर लें या फिर मानसून के सीजन में बारिश के टाइम पे ट्रांसप्लांट कर लें, पौधा काफ़ी अच्छे से सरवाइव करेगा। हाँ, लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जब पौधा आपकी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस टाइम पर इसे ट्रांसप्लांट ना करें। जब इसमें से आप फ्लावर्स हार्वेस्ट कर लें, फ्रूट्स हार्वेस्ट कर लें, उसके बाद ही पौधे को ट्रांसप्लांट करें। फिर दोस्तों आ जाइए हम इसके आगे चलते हैं कंपोस्टिंग पे। तो दोस्तों मैं जो कंपोस्ट देता हूं, जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे है तो उसमें आपको फ्लावरिंग स्टेज से लेके आपको फ्रूटिंग तक जो कंपोस्टिंग चाहिए, मैं आपको दिखाऊं कि हर चीज़ को बैलेंस मात्रा में हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखिए ये अच्छे से सड़ी हुई गाय के गोबर की खाद है, देख सकते हैं इसका कलर टेक्स्चर काफ़ी अच्छे से ये सड़ी हुई है। इसके साथ हम लेंगे दोस्तों बोन मील या फिर स्टोन डस्ट,
आपके पास जो भी अवेलेबल हो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास देखिए स्टोन डस्ट भी है और इधर बोन मील है। तो मैं दोस्तों बोन मील तो मैं यूज करता रहता हूँ, फिलहाल अभी मैं आपको दिखाऊँ तो स्टोन डस्ट मैं इसमें ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, एक मुट्ठी हमने स्टोन डस्ट ले लिया इसमें। इसके साथ मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था, चैनल पे है, ये देखिए अंडे के छिलके और प्याज के छिलके से बनाया हुआ कंपोस्ट जो पौधे की फ्रूटिंग स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है, इसे भी हम इसमें एक मुट्ठी के करीब ले लेंगे। इसमें काफ़ी रिच मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है तो इसे भी हमने ले लिया है। साथ में जो आपको अनार का कलर दिखता है, अनार का अच्छा कलर आए, अनार की पत्तियों के कलर अच्छे आए, इसके लिए हम करीब एक चम्मच एप्सम सॉल्ट इसमें मिला लेंगे। एप्सम सॉल्ट दोस्तों एक तरह से समझ लीजिए पौधों के लिए कि इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। और उसके अलावा हम करीब ये देखिए इतनी मात्रा में इसमें सीवीड का ग्रेनुअल्स हम मिलाएंगे और इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसे देना कैसे है पौधे में, आइए हम उसको भी देखते हैं। दोस्तों जो कंपोस्ट हमने तैयार किया उसे देने से पहले किसी टूल्स की मदद से हल्की हल्की मिट्टी की आपको गुड़ाई कर लेनी है। देखिए इस प्रकार से मिट्टी को ऊपर से ढीली कर लेनी है ताकि जो भी कंपोस्ट हम दें वो मिट्टी में आसानी से मिल जाए और रूट्स उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। देखिए अनार के पौधा दोस्तों हैवी फीडर नहीं होता है, इसलिए हमें इसमें ये मैं आपको दिखाऊं इनके रूट्स, देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर हैं तो जो फीडर रूट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इनके थोड़े बहुत अगर डैमेज भी हो जाते हैं तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसकी गुड़ाई कर ली, ऊपर की मिट्टी को हल्का कर लिया है और हम एक इसमें नाली सा बीच में बना लेंगे रूट से थोड़ी दूरी पर। ये देखिए जो मेन पौधे की जड़ होती है उससे थोड़ी दूरी पर हम इस प्रकार से नाली सा बना लेंगे। और नाली सा बनाने के बाद इसमें देखिए हम जो हमने कंपोस्ट तैयार किया हुआ है, जो हमारा मिक्सचर है अंडे के छिलके का, प्याज का छिलका और गोबर की खाद अच्छे से सड़ी हुई, साथ में सीवीड ग्रैनुअल्स और रॉक फॉस्फेट, ये सभी मिलके एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेंगे। और जो पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है या फ्रूट्स के लिए मैच्योरिटी के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी चीज़ इनमें अच्छी मात्रा में पौधे को मिलेगी। तो ये सारा हम इसमें 18 इंच का हमारा गमला है, महीने में एक बार आपको कंपोस्टिंग करनी है, आप बदल बदल के कर सकते हैं, आप सिर्फ काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन जब आपका पौधा फ्रूटिंग स्टेज पे हो तब आप ये जो कंपोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्राई कीजिए, आपको इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर दोस्तों हमने ये कंपोस्टिंग कर देने के बाद जो मिट्टी हमने किनारे साइड में की थी उससे हम इसे ढक देंगे और ढकने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छी वाटरिंग हमें इसमें कर देनी है। क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हुई है और मिट्टी अच्छे से गीली है इसलिए मैं अभी वाटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी है तो मैंने इसे ऐसे डाल के छोड़ दिया है। जब थोड़ी हल्की मिट्टी ड्राई होगी मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगा। पर आप लोगों को जो ध्यान देने की चीज़ है, अगर मिट्टी आपकी ड्राई है और तब आप ये कंपोस्ट दे रहे हैं उसमें तो आपको इसमें वाटरिंग कर देनी है और वाटरिंग इतनी करनी है कि मिट्टी ऊपर से नीचे तक पूरी गीली हो जाए, जिससे क्या होगा जो हमने कंपोस्टिंग करी है वो पानी के साथ वो गीला होगा और उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो रूट्स में पानी मिट्टी में पूरी तरह से फैलेंगे तो रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब करेगा और फिर आपका पौधा अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। अब दोस्तों मैं लास्ट में एक चीज़ और आपको बता दूं कि अनार का पौधा मैं पहले ही बताया हूँ काफ़ी हार्डी प्लांट है, 15 से 30 से 35 डिग्री तक बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, बहुत अच्छे से पौधा चलता है और सन लविंग प्लांट है। तो इसे आप ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ दिन में करीब 6 से 8 घंटे की धूप डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिलती रहे, तभी ये पौधा आपका अच्छे से आपको फ्रूट प्रोड्यूस करता रहेगा। और इसी प्रकार से जैसे देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका अनार का और इतने सारे फल आपको इतने छोटे छोटे पौधों में मिलेंगे।
तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।